नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में अरविंद कुमार सिंह। सिवनी जिले के लखना दौन तहसील के ग्रामीण स्कूल पाहनवाड़ा में स्कूली बच्चे शिक्षकों के वेटरों की तरह काम करते नजर आए। कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य है, यही वजह है कि बच्चे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, लेकिन जब सरकारी स्कूलों में शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की बजाय अपनी सेवा का साधन बना ले तो शिक्षक की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं। सवाल लाजमी भी है कि देश का भविष्य किताबों की जगह वेटरों की तरह ट्रे में चाय लाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी एक तस्वीर जिले के बामनवाड़ा प्राथमिक और माध्यमिक शाला में नजर आई, जहां स्कूली समय में कक्षा पांचवी और छठवीं कक्षा के दो छात्र शिक्षकों के लिए होटल से ट्रे में सात शिक्षकों के लिए चाय लेकर आते हुए दिखाई दिए। हमने कक्षा में जाकर देखा तो बच्चे बिना शिक्षक के आपस में शरारत करते नजर आए। वही कैमरा देख शिक्षक तुरंत ही कक्षा की ओर जाते दिखाई दिए, लेकिन तब तक सारी सच्चाई कैमरे में कैद हो चुकी थी। वही श्रीमती राजनेगी शिक्षिका महोदय ने भी बिना देर किए सफाई देते हुए कहा कि शाला में प्यून नहीं है, इसीलिए बच्चों से चाय बुला लेते हैं। तो हमने भी पलट कर पूछा कि ये तो रोज का काम हुआ बच्चों का होटल से चाय लाने का। तो महोदया ने भी अपनी बातों को सुधारते हुए कहा कि रोज तो होटल का लड़का चाय ले आता है। वही माध्यमिक शाला के प्रधानापाठक सर्वे जी ने भी अपनी सफाई में कहा कि शाला का प्यून किसी अन्य काम से बाहर चला गया है, इसीलिए बच्चों ने चाय लिया है। सामने आई तस्वीरें तो शिक्षा विभाग को शर्मिंदा करती है। देखना यह है कि विभाग के जिम्मेदार अफसरान कुर्सी तोड़ने वाले शिक्षकों और वेटर की तरह स्कूल में चाय बुलाने वाले के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि वर्तमान समय परीक्षा का है जिससे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है।